नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर 68 से लेके सेक्टर 80 सेक्टर तक, यानी इस इन सेक्टरों के बीच में आपकी एसपीआर रोड की डेवलपमेंट, आपके जंगली सफारी पार्क की डेवलपमेंट और इन सेक्टरों की इंटरनल, आपके पब्लिक सेक्टर, आपके इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, आपके आईटी सेक्टर, साइबर सिटी 2, ये सारी डेवलपमेंट इस इन सेक्टरों के अंदर आती है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर जो 68 सेक्टर से लेके जितने भी डेवलपमेंट 80 सेक्टर तक हुई है और क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग है वो सारी डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने दोस्तों तीन वीडियो बनाई है जिसमें सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 67A तक की कंप्लीट डिटेल से हम यहाँ पे मास्टर प्लानिंग को डिस्कस कर रहे हैं और आपको सेक्टर वाइज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट है वो एक्सप्लोर करते चल रहे हैं। तो दोस्तों ये पिछली वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं इस वीडियो में सेक्टर 68 से लेके 80 तक की डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एक्सटेंशन रोड के बारे में समझा था, इस एक्सटेंशन रोड के बारे में प्रॉपर तरीके से डिटेल से जाना था। आज हम इस वीडियो के अंदर इस वाले पूरे पार्ट को कवर करेंगे जो सेक्टर 80 और इस एरिया के पार्ट जो सोना रोड 68 से लेके सेक्टर 80 तक का इस एरिए को हम कम्प्लीट करने वाले हैं। तो ये जो एरिया है, सबसे पहले दोस्तों इस एरिए को हम समझते हैं कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो किस तरीके की है। अगर हम सोना रोड को थोड़ा सा देखें तो सोना रोड का जो पैच आता है इस एरिए के लिए ये इतना आता है, यानी सेक्टर 68 को लगता है और सेक्टर 69, तो दो हिस्से जो सोना रोड के ऊपर लगते हैं। और जो सेक्टर 69 है उसका एक पार्ट लगता है आपका एसपीआर रोड पे, साउथर्न पेरिपल रोड। तो अगर हम सोना रोड के बारे में बात करें तो सोना रोड आपके राजीव चौक से लेके सोना तक ये प्रॉपर एलिवेटेड कॉरिडोर है, ये दो फेस में बनाया गया। सुभाष चौक से ये एलिवेटेड है वो शुरू होता है और सीधा इस एरिया के अंदर जाके यहाँ पे एंड होता है, यानी गुड़गांव के अंदर ये लमसम 5 किलोमीटर का ये पैच है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा एलिवेटेड है। आप ना एंट्री कर सकते हैं ना एग्जिट कर सकते हो, तो डायरेक्ट आप बादशाहपुर के बाद ही जाके इसके ऊपर से है वो एंड होते हैं, आप आउट जा सकते हैं। आपने अगर एलिवेटेड पे एंटर होना है तो एंट्री कर सकते हैं। तो ये एलिवेटेड कॉरिडोर है जिसके जिसको जोड़ना था सोना के साथ। तो सोना की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सिटी को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, जैसे कि गुड़गांव को दिल्ली से जोड़ने के लिए आपका नेशनल हाईवे NH8 को कनेक्ट किया गया। अगर हम SPR रोड की बात करें तो SPR रोड लमसम 5 किलोमीटर लंबा पैच है और ये 150 वाइड आपका वाइड है, 150 मीटर वाइड है और इसकी लेंथ लमसम 5 किलोमीटर है, जिसके ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्लाईओवर, यहाँ पे फ्लाईओवर, फिर यहाँ पे फ्लाईओवर ऐसे बनाए जाएंगे। तो इस पैच के अंदर क्योंकि आगे क्लोर लिप तो बना ही चुके हैं, क्लोर लिप रेडी हो गया है और वाटिका चौक के नीचे से अंडरपास है वो रनिंग हो चुका है और रैपिड मेट्रो फेज 2 का जो प्लान है वो गोलकोस एक्सटेंशन रोड और आपका SPR रोड से आगे जाएगी। तो यानी यहाँ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका SPR रोड था और SPR रोड को बनाने का मेन रीजन ये था कि जो साउथर्न और नॉर्थर्न जो पेरिफल रोड है उनको कनेक्ट करने के लिए, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे और आपके जो SPR रोड से कनेक्टेड डायरेक्ट जो सोना रोड है और फिर एक्सटेंशन रोड, इनको ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और जो गुड़गांव का जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए SPR रोड का की डेवलपमेंट के अंदर हिस्सा लिया गया, जिसमें 2006 और 2007 का ये डेवलपमेंट प्लान आता है। उस टाइम के अंदर इन सेक्टरों का निर्णय लिया गया, भाई जो डिमांड है, जो हाउसिंग की डिमांड है वो और तेजी से बढ़ने लगी थी, तो इस एरिया के अंदर एक्सटेंशन रोड पे पहले से ही हम डेवलपमेंट कर चुके थे, फिर आगे सेक्टरों की नीड पड़ी। तो उसके बाद अगर हम SPR रोड पे देखें तो ये कम ही सेक्टर लगते हैं इस एरिया में, क्योंकि इसके पीछे वाली जो एरिया है, जो बाउंड्री है, वो आपकी अरावली की शाखाएं आ जाती है, क्योंकि 500 मीटर तक ही आप डेवलप कर सकते हैं, उसके बीच में एरिया है वो आपको खाली छोड़ना पड़ता है। तो जो अरावली की शाखाएं हैं उसके बीच में सेक्टरों का कुछ गैप है, कुछ गांव लगते हैं इनके पीछे, तो ये जो सेक्टर है ये यहीं तक कनेक्ट किए गए। अगर हम SPR रोड के ऊपर ही सेक्टर देखें, सेक्टर 69, सेक्टर 70, सेक्टर 72, 71, 73, 74, 35, ये वाला जो हिस्सा 75A और 74A ये आपके SPR रोड के ऊपर लगते हैं। सेक्टर 48 ये सारा आपका जो पुरानी डेवलपमेंट है उसके अंदर आता है
उसके बाद सेक्टर 72 की अगर बात करें तो 72 पूरा का पूरा ओपन स्पेस है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट नहीं होनी क्योंकि यहाँ पे फाजिलपुर गांव है और ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा आपका खाली रहेगा। ठीक है, इसी 72 में यहाँ से देखते हैं कि एक नाला टाइप का यहाँ पे आता है और आज वो कवर्ड है, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक इसी एरिया के अंदर से बना हुआ है। उसके बाद अगर 71 को देखें तो 71 के फ्रंट में आपकी 200 मीटर की तो कमर्शियल बेल्ट लगती है, बाकी एरिया आपका यहाँ पे वो है जो खाली रहेगा। उसके बाद अगर देखें सेक्टर 70 का मेजर पार्ट यहाँ पे लगता है, सेक्टर 70 है, इसके फ्रंट में कोई कमर्शियल बेल्ट नहीं, सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया ही सेक्टर 69 के अंदर है। इसके अंदर यहाँ कुछ 2 से 3 बिल्डिंग या ओयो ऑफिस 69 सेक्टर के अंदर बना हुआ है। बात करें सेक्टर 68 की, सेक्टर 68 जो कि आपका लग जाता है सोना रोड पे, सोना रोड पे आपकी एक छोटी सी 200 मीटर की कमर्शियल बेल्ट आ जाती है जिसके अंदर डीएलएफ ने एसयू लॉन्च किए थे, एरिया मॉल वहाँ पे है, वीएसआर का कमर्शियल बिल्डिंग वहाँ पे है। और अगर इस एरिया को देखें, ये वाला जो एरिया है ये सारा का सारा आपका इंस्टीट्यूशनल एरिया है, यानी इसके अंदर आपको कॉलेज ये इस टाइप की चीज़ें, एजुकेशनल टाइप की चीज़ें, हॉस्पिटल टाइप की, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ये आपको और क्लियरिटी से मिलेंगी जब हम सेक्टर वाइज की डेवलपमेंट को शुरू करेंगे ना, ये चीज़ें आपको उस टाइम और क्लियरिटी से समझ में आएंगी। एसपीआर रोड की कनेक्टिविटी आपकी एक तो ये होगी इन सेक्टरों के साथ एसपीआर रोड, दूसरा हो गया आपका नेशनल हाईवे NH8। तो यानी इस वाले जो सेक्टर हैं, इस साइड वाले सेक्टरों को कनेक्ट करने के लिए आपको नेशनल हाईवे NH8 की कनेक्टिविटी मिल गई। और 72A ये पीछे हो गया जो कि आपका सुभाष चौक से लेके होंडा चौक तक का जो रोड है जिसके ऊपर से अभी मेट्रो जानी है, सेक्टर 72A के ऊपर ही आपका जो स्टेशन है वो बनना है। उसके बाद अगर कनेक्टिविटी देखें सेक्टर 71, 73, 74 इनकी कनेक्टिविटी SPR रोड से लेके सीधी आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है, आपकी होंडा चौक, नेशनल हाईवे NH8 इधर भी जा सकते हैं ये सेक्टर। यहाँ पे ये रोड है वो ब्लैक टॉप कर दिए गए हैं, तो आप NH8 से डायरेक्ट क्लोवरली फ्लाईओवर, उसके बाद अगर इंटरनल जो सेक्टर्स अगर देखें तो सुभाष चौक से लेके हीरो होंडा चौक, आप इन सेक्टरों के साथ भी आप इजीली कनेक्टेड हैं। तो यानी यहाँ पे भी अगर हम प्रॉपर्टी बाइंग का अगर सोचें कि भाई अगर लोकेशन आपको जैसे साइबर सिटी अगर जाना है तो आपके पास मल्टीपल जो लोकेशन है कनेक्टिविटी वो बन जाती है। सेक्टर 70A ये लास्ट सेक्टर है SPR रोड का, अगर हम पीछे की देखें क्योंकि ये जो वाला एरिया है ये पूरा अरावली का और कुछ गांव आ जाते हैं, ये वाले आते हैं। सेक्टर 68 की अगर बात करें तो ये आपका पब्लिक एरिया आ जाता है जिसके अंदर आपके एजुकेशनल भी आ सकते हैं, कुछ भी जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो भी काम है, जो भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो गवर्नमेंट उसी टाइप की चीज़ें वहाँ पर डेवलप कर सकती हैं। सेक्टर 75 भी एक पब्लिक सेक्टर है जिसके अंदर आज BMW का है, वहाँ पे एक सूरज स्कूल है और वहाँ पे अभी आपने रिसेंटली आपने सुना होगा कि एयर इंडिया ने वहाँ पे जो लीज पे जो स्पेस है वो लिया है, वो सेक्टर 75A में लिया है। सेक्टर 74A एंड 75A ये जो दो सेक्टर है ये आते हैं प्योर कमर्शियल के, इनके अंदर कोई रेजिडेंशियल नहीं आएगा, इसमें सिर्फ कमर्शियल आएगा जिसमें DLF की मेजर लैंड पार्सल आता है, 250 एकड़ का लैंड पार्सल है। 75A में अभी MR ने SU लॉन्च किए थे और ये आपका जो SPR रोड है, SPR रोड से एक 60 मीटर रोड निकाला गया है जो कि कनेक्टेड करता है आपको इस वाली कनेक्टिविटी के, यानी जो इधर की जो डेवलपमेंट होगी उनको कनेक्ट कर दिया गया डायरेक्ट SPR रोड के साथ, और इस साइड के जो सेक्टर हैं इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया नेशनल हाईवे NH8। यानी हर सेक्टर की कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी मींस कि सेक्टर के चारों तरफ 60 मीटर की वाइड रोड और हर डेवलपमेंट को एक दूसरे सेक्टरों से कनेक्ट कर दिया गया, और बड़े बड़े जो रोड निकाले गए इंफ्रास्ट्रक्चर को उनसे कनेक्ट कर दिया गया ताकि आगे जाके फ्यूचर में व्हीकल्स जो की जो प्रॉब्लम आज गुड़गांव के अंदर है ट्राफिक की वो सोल्व हो सके। इसके लिए फिर एक प्लानिंग और यहाँ पे मैप के अंदर दर्शा दी गई कि जो ये वाला जो रोड है ऊपर ही ऊपर एक रोड बना दिया जाएगा जो कनेक्टेड होगा डायरेक्ट आपके सोना रोड, और फिर कनेक्ट हो जाएगा सीधा आपका एक्सटेंशन रोड के ऊपर जो सेक्टरों के बिल्कुल ऊपर से एक रोड निकाला जाएगा। इन सेक्टरों के लिए कनेक्ट कर दिया सेक्टर 79B। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपके नेशनल हाईवे NH8 से इधर से भी कनेक्ट हो सकते हो, आप इधर से भी आ सकते हैं, उसके ऊपर ही ऊपर आपको शहर के अंदर यानी NH8 पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको SPR रोड पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको एक्सटेंशन रोड पे नहीं जाना, तो ऊपर ही ऊपर आप जा सकते हैं। तो जैसे ये डेवलपमेंट बनाई गई तो हर डेवलपमेंट में क्या किया,
जैसे जैसे सेक्टर बनाए गए वैसे वैसे आपके पब्लिक सेक्टर, आपके आईटी सेक्टर्स और आपके ग्रीन स्पेस ओपन कर दिए गए। अगर ग्रीन स्पेस का देखें तो सेक्टर 79B, 79 और सेक्टर 78 ये पूरा का पूरा ग्रीन और ओपन स्पेस है। इसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट है वो नहीं होनी है, तो यहाँ पे ये सारा ओपन स्पेस है। दूसरा ओपन स्पेस देखें क्योंकि यहाँ पे है अरावली की पहाड़ियाँ, ये सारी अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद 77 और फिर 76 से होता हुआ ये सारा ओपन स्पेस है, यहाँ पे आया था डीएलएफ, तो डीएलएफ के बैक साइड में सारा ओपन स्पेस आता है। तो जो सिग्नेचर ग्लोबल का 79B में आया था इसके बगल में ये सारा ओपन स्पेस आता है। यहाँ पे स्टेडियम की लैंड पार्सल अभी अवेलेबल है। जब हम हर सेक्टर की डेवलपमेंट को समझेंगे तो उसके अंदर आपको प्रॉपर इंटरनल जो 24 मीटर रोड है कहाँ से निकलेंगे और क्या डेवलपमेंट किस साइड आएगी वो है। उसके बाद अगर सेक्टर 80 की अगर हम बात करें, सेक्टर 80 के बगल में जो ये ओपन एरिया है कर्मा लैंड, लैंड आपने सुना होगा 300 एकड़ का ग्रीन स्पेस है, वहां पे सेक्टर 80 के अंदर अभी कॉन्सियंट, शोभा, आशियाना ये प्लान कर रहे हैं इस एरिया के अंदर आने के लिए, 1 से 2 महीने के अंदर आ जाएंगे। उसके पीछे अगर ये वाले जो पार्सल देखा जाए ये पूरा का पूरा पब्लिक यूटिलिटी के लिए यानी पब्लिक एरिया है। इस एरिया के अंदर कुछ भी पब्लिक के लिए रिक्वायरमेंट आ सकती है क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। और उसके ऊपर भी पूरा देखा जाए ये पूरा ग्रीन एरिया है, पूरा ग्रीन एरिया ये पार्सल आता है। और साथ में अगर हम पब्लिक एरिया की बात करें तो सेक्टर 78 के साथ साथ और नेशनल हाईवे NH8 के साथ साथ ये आपकी पब्लिक यूटिलिटी यानी इंस्टीट्यूशनल बेल्ट आ जाती है, जो सेक्टर 78, 77 और 76 के साथ लगती है। यानी हर सेक्टर के साथ इंस्टीट्यूशनल, पब्लिक एरिया, कमर्शियल, ओपन स्पेस ये सारी चीजें आती हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है टोल, अगर आज मानेसर वाले की बात करें तो यहाँ पे टोल है। उसके बाद अगर हम पुराने उसके अंदर देखें तो सेक्टर 74 जो ये वाला जो सेक्टर है ये सेक्टर पूरा का पूरा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, यानी इसके अंदर सिर्फ इंडस्ट्रियल जो होंगी वो जैसे फैक्ट्री, प्लांट्स, वेयर हाउस, इस टाइप की चीजें आपकी यहाँ पे लगेंगी। फ्रंट में अगर SPR रोड पे कमर्शियल का पैच देखें तो इधर कमर्शियल का पैच इस सेक्टर के लिए, सेक्टर 68 के लिए देखा जाए तो यहाँ पे ये जहाँ पे एरिया मॉल है, DLF ने अभी SU लॉन्च किए थे, तो यानी हर सेक्टर के साथ साथ कमर्शियल ताकि ट्रैफिक का बर्डन भी ना पड़े और एक दूसरे सेक्टरों के अंदर जाने की जरूरत ना पड़े। अगर आज की अगर हम बात करें डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट है पूरा 79B, जैसे M3M है आपका, वहाँ पे सिग्नेचर ने अपने फ्लोर्स बना रखे हैं तो ये कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ने लग गई है। अगर हम इस एरिया की अगर प्राइजिंग की बात करें तो सेक्टर 80 में जैसे 3 न्यू डेवलपमेंट बिग जो डेवलपर हैं वो आ रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने समझे सेक्टर 68 से लेकर सेक्टर 80 तक की डेवलपमेंट कि किस हिसाब से जो सेक्टर्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है फ्यूचर के अंदर। तो अगर आप इस एरिया के अंदर कहीं भी अगर प्रॉपर्टी ट्राई कर रहे हैं तो आप बेझिझक होकर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर के अंदर कनेक्टिविटी झक होकर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर के अंदर कनेक्टिविटी आ सकती है, लेकिन आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी टाइम लगता है, यानी 5 से 6 साल इन एरिया के अंदर डेवलपमेंट होगी। यानी अगर मैं बात करूँ आपके सेक्टर 77 से लेके 79, 79B, सेक्टर 80 ये वाला जो एरिया है इसके अंदर अभी थोड़ा सा है टाइम है वो लग सकता है। और मेजर जो डेवलपमेंट होगी इसके अंदर जैसे कि रोड्स हैं, कुछ रोड हैं अभी वो निकलने बाकी हैं। उसके बाद अगर देखा जाए एक डेवलपमेंट ये है कि 10,000 एकड़ का जो पार्ट है वो आपके इस एरिया के अंदर ही लगता है, जहाँ पे जंगली सफारी पार्क गवर्नमेंट का प्लान है वो यहाँ पे आने वाला है, तो आप इस एरिया को ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एरिया के पार्ट को हम कवर करने वाले हैं जो कि न्यू गुड़गांव का एरिया है ये आता है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि सेक्टर 76 से लेके सेक्टर जो ये वाले जो सेक्टर हैं 80 तक ये मानेसर के अंदर आते हैं, यानी सेक्टर 76 से लेके सेक्टर 80 सेक्टर तक 76, 77, 78, 79 और 80 ये आपके IMT मानेसर के अंदर आते हैं। इनकी रजिस्ट्री आपकी IMT के अंदर होगी, यानी मानेसर के अंदर आते हैं, ये गुड़गांव के अंदर नहीं आती इसकी डेवलपमेंट। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सेक्टर आपका 81 से लेके सेक्टर 95B तक की डेवलपमेंट को, सॉरी 98 आ जाता है इधर, तो 98 तक हम इस डेवलपमेंट को कवर करेंगे और साथ में इस एरिया को कवर करेंगे कि ये H5, H6, H7 क्या है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ताकि नई अपडेट रियल स्टेट के रिगार्डिंग आपको मिलती रहे, कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या रेट आ रहे हैं, तो आपको हर प्रकार की जो नॉलेज है वो टेलीग्राम चैनल में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर न्यू गुड़गांव को डिस्कस करेंगे और जानेंगे वहां की डेवलपमेंट और फ्यूचर प्लानिंग के। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।